तो मैं अगले दिन आप लोगों को बता रही थी कि मैंने कबाब हांडी ट्राई की, जो मैंने पाकिस्तान में सबसे वादा किया कि मैं जो है ना आके सबको खिलाऊंगी। ये मेरी पर्सनल डायरी है जिसके अंदर मैंने अपने लिए सिर्फ रेसिपीज लिखी हुई है, तो राइटिंग को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। और अगर आप उसमें से पढ़ने की कोशिश करें, कुछ समझ ना आए, तो यार ये सिर्फ मैंने अपने पर्सनली अपने आप को समझाने के लिए लिखा हुआ है। बाकी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैंने कैसे बनाया। तो एनीवेज, कबाब हांडी बनाने के लिए सबसे पहले आपने बोनलेस चिकन लेना है, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, लेमन जूस, एक अंडा, थोड़ा सा बटर और सारे मसाले डाल देने हैं। ये सारे मसाले मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं ना मसालों की क्वांटिटी की, तो यार वो मुझे भी नहीं पता, वो जैसे देसी माई करती है ना अंदाजे से, वही हिसाब है। एक दफा मैं अम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बड़ी चम्मच से ना मसाले डालते हुए देख लिए हांडी में, तो शी से हमारा मसाले कौन डालता है बड़ी चम्मच से, छोटी चम्मच इस्तेमाल करते होते हैं। तो एवर सिंस देन मेरी यही रूटीन है कि मैं छोटी चम्मच लेती हूँ, जो मतलब डेजर्ट वाली स्पून होती हैं, और उससे आप मसाले डालें तो कभी भी नहीं, मेरे तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। बस फिर उसमें एक ब्रेड का पीस डाल के उसको सारे को ग्राइंड कर लेना है और इनमें धनिया पुदीना डालना, और इस काम के लिए आप मेरी तरह अपने बंदे से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद ना आपने उस मिक्सचर को फ्रिज में रख देना है, क्योंकि वो जब तक सेट होगा, हार्ड होगा, तो ही कबाब सही तरह बनेंगे। और दूसरी तरफ आपने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें प्याज, हरी मिर्चें और काजू वो डाल के आपने हल्का सा फ्राई कर लेना। उसके बाद आपने इसको भी निकाल के ना उसी मिक्सचर के अंदर, सॉरी उसी ग्राइंडर में थोड़ा सा पेस्ट बना लेना। ये जो मेरे पास फूड प्रोसेसर है ना, छोटा सा ग्राइंडर, ये मैंने यहाँ केमाद से लिया था और आया भी ऐसे सस्ता सा था, मुझे सही तरह पैसे नहीं याद, लेकिन यार ये क्या फिट चीज़ है। मैंने सोचा है जब भी मैंने पाकिस्तान जाना है ना, तो मैंने उन लोगों के लिए ये लेके जाना है। उसके बाद आपने बस हाथों को थोड़ा सा गीला करना है और कबाब बना लेने हैं। और अगर आपके हाथ अच्छी तरह गीले होंगे ना, लाइक ऑयल से नहीं मज़ा आता, मतलब पानी लगा के बार बार धो धो के करेंगे तो फिर सही बनते हैं, मैं लिटरली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये। और क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था, क्योंकि मैंने शाम को मतलब मैं ऑफिस से जाके मैंने खाना बनाया, जो कबाबों का मिक्सचर है ना उसको मतलब फौरन ही उसके कबाब बना रही थी, तो मतलब मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था। अगर आप थोड़ी देर फ्रिज में उसको रख देंगे ना, तो आराम से वो सेट हो जाता है। बस फिर हमने कबाब फ्राई कर लेने हैं, दूसरी तरफ हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, उसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद जो हमने ग्राउंडेड अनियन का मिक्सचर बनाया हुआ था वो ऐड करना है। अच्छा, ये जो कबाब है ना, ये लिटरली ये रेडी टू ईट है, मतलब अगर आप इसने आपने ग्रेवी नहीं भी बनानी ना, तो ये इतने मजे के कबाब बने होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो खैर, बाकी फिर आपने उसके अंदर जो है ना सारे मसाले डालने हैं, जो कि ऊपर मैंने मेंशन कर दिया, और दोबारा से वही छोटी चम्मच वाला हिसाब है। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, और लिटरली ये जो जलना का ग्रीक वाला दही है ना, ये बेस्ट है। पहले मेरे हस्बैंड ब्रिटानिया लाते थे, उस तबा मैंने तो यहाँ के दही खाना ही छोड़ दिया, मतलब मुझे ना उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन ये वाला जो है ना ये बहुत फिट है। बस फिर उसके बाद हमने अपना कबाबों का मिक्सचर भी बीच में ऐड कर देना, जो कि मैंने ऑयल समेत ही बीच में डाल दिया। फिर आप अपने हिसाब से ना पानी वगैरह डाल के देख लें, मतलब इतना तो हर किसी को यार अब खाना बनाने आता ही होता है ना, कि हमने कितनी ग्रेवी रखनी है, और एंड में हमने क्रीम डालनी है। और बस उसके बाद आप इसको हल्की आंच पे रखते हैं और जैसे हल्का सा मिक्स कर लें, और बस ऑयल ऊपर आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि खाना आपका तैयार हो चुका है। फटाफट रोटी पकाई मैंने, और इस टाइम पे आके ना लिटरली मेरी बस सोई हुई होती है कि बस मैं फुल टाउन फुल ऑन हैवी किस्म की थकी पड़ी होती है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड तारीफ करते हैं ना और वो खुश होकर खा रहे होते हैं, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि यार मेरे ना उसके पैसे पूरे हो गए हैं इतनी मेहनत। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू ट्राई एंड लेट मी नो। बाय।